ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और कड़ी टिप्पणी की है चुनाव आयोग के ऊपर। टीएमसी ने एक याचिका दायर की थी कि चुनाव के में आदर्श आचार संहिता का जो उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है और इसकी जो भी शिकायतें चुनाव आयोग को टीएमसी ने की थी, अभी तक टीएमसी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और पांचवें चरण का मतदान शुरू हो गया। तो इसको देखते हुए टीएमसी ने एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी जिसकी सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में हुई। और जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में देखा कि आदर्श आचार संहिता के बारे में सप्रमाण टीएमसी ने जो शिकायतें चुनाव आयोग को की थी और चुनाव आयोग ने उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया और चुनाव लगभग लगभग खत्म होने की दिशा में पहुंच गया है, तो इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने कड़ी टिप्पणी चुनाव आयोग के ऊपर की है और चुनाव आयोग से ये कहा है कि वह अपने कर्तव्यों और अधिकारों का उपयोग करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं। याचिका की सुनवाई चली रही है, अंतरिम टिप्पणी के रूप में उन्होंने कोर्ट ने ये कहा कि चुनाव आयोग इस पर तुरंत कार्रवाई करे। साथ में जो विज्ञापन जारी हुए हैं उस विज्ञापनों पर, भाजपा के विज्ञापनों पर रोक लगाने की बात भी कही है कि अगले आदेश तक कोई भी इस तरीके के विज्ञापन जारी नहीं हो। ये पहली बार कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा जो आदेश किया गया है इसका असर पूरे देश भर में, क्योंकि जब कोई भी हाईकोर्ट कोई ऑर्डर जारी करती है तो चुनाव आयोग के ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बाइंडिंग होती है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो केवल कलकत्ता के लिए नहीं है, वो पूरे देश भर में जो भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले की शिकायतें की गई हैं उनका निपटारा तुरंत चुनाव आयोग को करना चाहिए। ये इस बात के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला, मतलब ये जो सुनवाई है और सुनवाई के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं ये चुनाव आयोग के ऊपर लागू हो गए हैं। यदि चुनाव आयोग इन निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उसके ऊपर भी अवमानना की कार्रवाई चलने की स्थिति बन सकती है। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि छठवें और सातवें चरण के चुनाव के पहले चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जो शिकायतें उसे मिली हैं उस पर वो कड़ी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन चुनाव तो पांचवें चरण का आज समाप्त हो गया है, केवल छठवां और सातवां चरण पर चुनाव का रह गया है। विशेष रूप से जो हेट स्पीच के मामले हैं या जो शिकायतें टीएमसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की हैं कि उन्होंने वायुसेना के विमान से चुनाव प्रचार किया है, उन्होंने अपने चुनाव में हेड स्पीच देकर और हिंदू मुसलमान या और दूसरे तरह तरह की जो बातें कही हैं उसमें सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने और मतदाताओं के बीच में विभेद पैदा करने का काम किया है, इस तरह के स्पष्ट आरोप टीएमसी ने लगाए हैं। भाजपा ने जो एक विज्ञापन भी जारी किया है वो भी तथ्यों से परे है और वो जो विज्ञापन है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है। इस मामले को सारा देख के हाईकोर्ट आज भड़क गई थी और हाईकोर्ट ने उसके बाद चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि आदर्श आचार संहिता का जो उल्लंघन की शिकायतें जा रही हैं उन पर तुरंत एक्शन ले। और इस तरह के जो विज्ञापन हो रहे हैं या चुनाव प्रचार जब थम जाता है उसके बाद भी चुनाव प्रचार अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरीके से किया जा रहा है उस पर कड़ी आपत्ति हाईकोर्ट ने जताई है। अब यह मामला तो हो गया कलकत्ता हाईकोर्ट का, पहली बार किसी हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को इस तरीके के निर्देश जारी किए हैं जो उसके ऊपर बाइंडिंग्स के रूप में सामने आ गए हैं। 24 तारीख को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी होने जा रही है जिसमें कई याचिकाएं हैं, एक एडीआर की तरफ से भी है, दिग्विजय सिंह की तरफ से भी याचिका है कि जिसमें कंट्रोल यूनिट को सील बंद करके नहीं रखा गया था इसकी शिकायत उन्होंने की है। जो मतदान का प्रतिशत में आंकड़ा चुनाव आयोग ने जारी किया है उसको लेकर भी शिकायत है कि जब 2014 में सारे 24 घंटे के अंदर ही
यह सारी जानकारी चुनाव आयोग वेब पोर्टल पे अपलोड कर देता था। उसमें जिन जिन मतदान केंद्रों में मतदान 5 बजे तक होता था और उसके बाद 7-8 बजे जो भी मतदान जहाँ चल रहा होता था उसकी अंतिम रिपोर्ट आ जाने के बाद दूसरे दिन सुबह 7-8-9-10 बजे तक चुनाव आयोग का पोर्टल अपडेट हो जाता था कि किस संसदीय क्षेत्र में कितना मतदान हुआ है, कितने मतदाता थे, उसमें महिला पुरुष की संख्या क्या थी। ये सब पूरा आंकड़ा 2014 में भी प्रस्तुत होता था। फिर इसमें से 2019 में कुछ कम आंकड़ों के साथ ये प्रकाशित हुआ, लेकिन 2024 में लगभग हुआ ही नहीं और केवल अब प्रतिशत में आंकड़ा दिया गया है। तो 2024 के चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर एक बहुत बड़ी जो 3 सदस्यों की बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, अब इसमें 24 तारीख को सुनवाई होनी है और आज कलकत्ता हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है तो उस ऑर्डर के हिसाब से भी केंद्रीय चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर एक कड़ा आक्षेप हाई कोर्ट ने किया है। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि आदर्श आचार संहिता का पालन करना या कराना ये चुनाव आयोग की जवाबदारी है। इसी तरीके से मतदाताओं को, मतदाता का अधिकार है कि वो जिसे वोट डाल रहा है उसे सही मायने में वोट जाए और उसके लिए ये मौलिक अधिकार है मतदाता का, तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो आज की जो टिप्पणी है कलकत्ता हाई कोर्ट की वो चुनाव आयोग के लिए और चुनाव आयोग के लिए मतलब एक गंभीर चेतावनी भी है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि चुनाव आयोग को जो दायित्व सौंपा गया है वो दायित्व का पालन चुनाव आयोग नहीं कर रहा है और एक तरह से ये भी एक आपराधिक कृत्य की तरह माना जा सकता है, लापरवाही नहीं मानी जा सकती है। क्योंकि अभी तक जितने भी 5 चरण के चुनाव होने को मतलब समाप्त होने पे आ गए, लेकिन आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिसे कार्रवाई के तौर पे देखा जाए। तो आगे चलकर चुनाव आयोग की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, यही कहा जा सकता है। नमस्कार।